हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट। एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर आज हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन क्या होता है? एक प्रोजेक्ट के अंदर खूब सारे कंपोजिशन हम बना सकते हैं, एक कंपोजिशन के अंदर भी दूसरे कंपोजिशन हम बना सकते हैं। आपने एडोब प्रीमियर प्रो के मेरे वीडियोज देखे होंगे। प्रीमियर प्रो के अंदर आपने देखा था कि हम प्रीमियर प्रो के अंदर सीक्वेंस बनाते हैं, तो ये सीक्वेंस से सिमिलर है। जिस तरह से सीक्वेंस होती है, ठीक सिमिलरिटी है उसके बीच में और इसके बीच में। तो सीक्वेंस के अंदर हम जिस तरह से दूसरे कई सारे फुटेज वगैरह लेके आ सकते हैं, दूसरी सीक्वेंस भी लेके आ सकते हैं, ठीक इसी तरह से कंपोजिशन के अंदर हम फुटेज लेके आ सकते हैं, फोटो ऑडियो वीडियो फुटेज या फिर टेक्स्ट वगैरह कुछ लेयर वगैरह लेके आ सकते हैं और दूसरे कंपोजिशन भी लेकर के आ सकते हैं। अगर हमें छोटी सी कोई एडिटिंग करनी है, 5 या 10 सेकंड का या 20-50 सेकंड का छोटा सा कोई फुटेज बनाना है, तैयार करना है, तो उसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग हमें करनी है, तो एक कंपोजिशन के अंदर हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम अगर बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर चल रहे हैं, कोई मूवी वगैरह एडिट कर रहे हैं या फिर कोई ज्यादा एनिमेशन वाला लोगो वगैरह भी कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज्यादा कंपोजिशन की जरूरत पड़ती है। एक प्रोजेक्ट के अंदर हमें कई सारे कंपोजिशन बनाने पड़ते हैं, एक कंपोजिशन के अंदर दूसरे कंपोजिशन, ये टिपिकल प्रोजेक्ट हो गए एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, आप लोगो एनिमेट करना चाहते हैं अपना, तो उस लोगो के अंदर आपको टेक्स्ट भी शेप भी बैकग्राउंड भी लेके आना होगा और हो सकता है आप उसके अंदर लेंस फ्लेयर भी यूज करना चाहें, तो ये सब चीजें आप यूज करेंगे। और इनके अगर आप अलग अलग कंपोजिशन बनाते हैं, अलग अलग कंपोजिशन के अंदर उनकी अलग अलग एनिमेशन देंगे, जैसे कि इतनी दूर में टेक्स्ट आया फिर उसको एनिमेट किया, फिर 5 सेकंड बाद में कुछ शेप वगैरह आए, फ्लावर वगैरह आए घूम करके चले गए, फिर थोड़ी देर बाद में लेंस फ्लेयर आई, तो ये अलग अलग कंपोजिशन के अंदर आप डिवाइड करके अपना काम करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से होगा। तो कंपोजिशन क्या होता है, ये एक तरह से बहुत ही मेन पार्ट है आफ्टर इफेक्ट का। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। आप प्रोजेक्ट न्यू लेना चाहें तो फाइल मेन्यू के अंदर न्यू के अंदर जाकर न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं इस तरह से। ये आफ्टर इफेक्ट जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा। ये आफ्टर इफेक्ट सीसी 2017 है। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर कुछ भी आपके पास कंपोजिशन फाइल्स वगैरह यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लेके आए, तो फाइल मेन्यू में जाकर के आप यहाँ पर सेव नहीं कर सकते, एक्टिव नहीं रहेगा सेव का जो ऑप्शन है। हाँ, सेव एज के अंदर जाने से कई सारे ऑप्शंस एक्टिव है, यानी कि आप इसकी कॉपी सेव करना चाहें, सेव एज या सेव कॉपी एक्सएमएल फाइल आप सेव करना चाहें, और आपको पता है कि आफ्टर इफेक्ट की जो यहाँ पर फाइल होती है .aep, जैसे .psd होती है उसी तरह से प्रोजेक्ट फाइल जो है वो .aep होती है। आफ्टर इफेक्ट की प्रोजेक्ट की फाइल जो है वो आप एक्सएमएल प्रोजेक्ट भी सेव कर सकते हैं, उसके लिए फिर यहाँ से सेव एज के अंदर जाएंगे एक्सएमएल के अंदर। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। देखिए, कंपोजिशन आप किस तरह से बना सकते हैं। प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू कंपोजिशन का, ये छोटा सा आइकन जो आपको नजर आ रहा है इसके पास में ये फोल्डर का है, तो कंपोजिशन का जो आइकन है इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे न्यू कंपोजिशन आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन मेन्यू के अंदर जाएंगे, न्यू कंपोजिशन या कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, आप न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन आ गया। अभी ये कंपोजिशन आप को यहाँ पर सबसे पहले नाम देना है कि आप क्या किस नाम से कंपोजिशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कॉम्प 1 रख रहे हैं। आप जब प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो अलग अलग नाम वगैरह देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अंदर जो ऑप्शन है बेसिक एडवांस्ड और 3D के लिए है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर है वो हम यहीं पर रखने दे रहे हैं। लेकिन जो बेसिक है यहाँ पर जो इसके अंदर देखिए प्रीसेट दे रखे हैं। प्रीसेट के अंदर आप देखिए खूब सारे प्रीसेट्स हैं, तो आप अपने प्रीसेट भी बना सकते हैं। प्रीसेट के अंदर है क्या एक्चुअली, विड्थ है और हाइट है यहाँ पर जो आप तैयार करेंगे उसके अंदर, और उसके बाद में जो पिक्सल रेशियो है वो है, फ्रेम रेट है, सिंपल सिंपल कुछ चीजें हैं, बैकग्राउंड है यहाँ पर, रिजोल्यूशन है, ये सिंपल सिंपल चीजें आप इनको अपने हिसाब से सेट करके, जैसे कि मुझे 1000x500 इस तरह से कुछ चाहिए, और ये इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर 1000 इस तरह से आएगा। तो आप ये अपने हिसाब से सेट करके फिर यहाँ से न्यू प्रीसेट अपना सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं कर देता हूँ SS, ओके। तो आप इसके अंदर देखिए SS नाम से ये प्रीसेट आ गया है सबसे नीचे लास्ट में। इसी तरह से जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है जो प्रीसेट बनाए हुए, आप उनको ज्यादा यूज लें अपने बनाने की बजाय, जो यूज अगर रिक्वायरमेंट है खुद की तो ले सकते हैं अपना खुद बना करके, अदरवाइज इनको यूज में लें। जैसे कि इसके अंदर NTSC पॉल वगैरह TV वगैरह के लिए इनको यूज लेना है, या फिर HDV HDTV 720 25 ये फ्रेम आप लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर विड्थ हाइट ये आ गई। पिक्सल आप स्क्वायर पिक्सल रखें, मोस्टली यही यूज में लेते हैं। अगर आपकी दूसरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक बाय डिफॉल्ट आप यही यूज में लें। उसके बाद में फ्रेम रेट,
फ्रेम रेट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा आप इनमें से ले सकते हैं, इनमें से ले तो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनमें नीचे जैसे कि 4K 8K वगैरह के आपको दे रखे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा फिल्मों के लिए 2K 4K, तो ये अगर आप यूज लेंगे तो क्या होगा, बहुत भारी प्रोजेक्ट आप इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर, आपकी मशीन के ऊपर, आपने जो कंप्यूटर आपका है उसके अंदर आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जीपीयू वगैरह है या नहीं है, फिर हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितनी है, और जो प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है वो कौन सा है, कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल किया है तो आप इसमें चला सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन ये HD और 4K वाले जो काम है ये आप करेंगे तो फिर ये आसानी से आप नहीं कर पाएंगे, हैंग होगा फिर। अब मैं आपको बताऊं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट आफ्टर इफेक्ट, ये आप अगर सर्च करेंगे गूगल के अंदर तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट CC 2017 सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये विंडोज के लिए, ये मैक के लिए है। तो आप इसके अंदर ये मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है, अगर आप मूवी वगैरह एडिट करने के लिए किसी काम के लिए लेके आना चाहते हैं सिस्टम और अपनी चेक करना चाहते हैं तो इससे नहीं, इससे ज्यादा के ऊपर, ये मिनिमम यानी कि इसके ऊपर तो ये इंस्टॉल होगा। अगर आप और ज्यादा भारी काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको हाईएस्ट सिस्टम रिक्वायर सिस्टम आपको बनाना होगा, आपका रखना होगा। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं, देखिए तो 4 GB रैम यस मिनिमम है, 8 GB रिकमेंडेड, मतलब 8 GB आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 5 GB हार्ड डिस्क के अंदर अवेलेबल ये बता रहा है, लेकिन आप ज्यादा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें आपको बताइए, एक चीज यहाँ पर बताइए ऑप्शनल GPU, ये यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर अपने सिस्टम के अंदर रखेंगे तो आप बहुत ही स्पीड से काम कर पाएंगे, स्पीड से काम होगा आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर ये सभी की, अगर पुराने वर्जन से आफ्टर इफेक्ट उनकी भी है, CC 2014 की सिस्टम रिक्वायरमेंट मैक के लिए, विंडोज के लिए। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड भी दे रखे हैं, सपोर्टेड GPU फॉर रे ट्रेस्ड 3D रेंडर के लिए। यहाँ पर इनमें से आप कोई ग्राफिक्स कार्ड लेके आए तो ज्यादा अच्छा होगा इसके लिए, आफ्टर इफेक्ट के लिए, जिसे आप 3D वगैरह के वो सारे काम कर सकते हैं। तो आप इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करें, कॉपी करें और इन सबको नेट के ऊपर सर्च करें किस किस रेंज के हैं ये, क्या क्या इनकी परफॉर्मेंस है, और आपके अपने हार्ड डिस्क और CPU और ये मदरबोर्ड, ये सब आप अगर अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आप सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ से देखें और अपने आफ्टर इफेक्ट को इंस्टॉल करें। उसके बाद में मैं बता रहा था, ये तो प्रीसेट की बात होगी, अगर आपके पास में मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है तो आप 720 से ज़्यादा या ना ही लें, ज़्यादा लेंगे तो फिर वो दिक्कत होगी, आप कम के अंदर ही रखें। फिर उसके बाद में आगे फ्रेम रेट की मैं बात कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर जो प्रीसेट है इसके अंदर फ्रेम रेट 25 है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें फ्रेम रेट अपनी इच्छा से चेंज भी कर सकते हैं, और कुछ के अंदर अलग भी है, तो फ्रेम रेट 25 आप रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 24 आप रखें कोई दिक्कत नहीं है, 30 और 50 आप रखें, 60 आप रखें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पर फ्रेम इतने पर सेकेंड इतने फ्रेम आएंगे, फ्रेम पर सेकेंड। उनके सामने एक ड्रॉप फ्रेम और नॉन ड्रॉप फ्रेम नाम से ऑप्शन है जो कि अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन अब अगर इस तरह की फ्रेम रेट रखेंगे 29.97 59.94 तो ये यहाँ पर एक्टिव भी हो जाएगा, और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आएंगे, नॉन ड्रॉप फ्रेम रेट और ड्रॉप फ्रेम रेट। ये क्या है कि इसको टाइम का जो ऊपर नीचे हो जाता है, जितने टाइम का फुटेज होता है उससे ऊपर नीचे हो जाता है, उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर ड्रॉप फ्रेम रेट रखें। ये बहुत टॉपिक है ड्रॉप फ्रेम रेट और क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, लेकिन हमें इतना ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको मोस्टली ड्रॉप फ्रेम रेट की जरूरत पड़ेगी, आप इसी को रखें। ड्रॉप फ्रेम रेट क्या करता है, एक्चुअल जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके हिसाब से एडजस्ट कर देता है, इसके अंदर एक्चुअल टाइम रहता है, तो आप ड्रॉप फ्रेम रेट सिलेक्ट करें। उसके बाद में रेजोल्यूशन आप फुल सिलेक्ट करें, आप थर्ड क्वार्टर आपकी इच्छा है, बाद में भी इन सब सेटिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद में भी ऑप्शन ये हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद में स्टार्ट टाइम कोड, स्टार्ट टाइम कोड यानी कि जो टाइम है वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, आप 20-30 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट से कर सकते हैं। उसके बाद में है ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए जो आप यहाँ पर कंपोजिशन बना रहे हैं वो, तो 15 सेकेंड 20 सेकेंड, ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर ब्लैक या फिर आप व्हाइट या दूसरा अपनी इच्छा से जो भी चाहें सिलेक्ट करके फिर आप ओके कर दें। ओके करने के बाद में ये हमारा कंपोजिशन 1 आ गया है, कंपोजिशन जो 1 आ गया है, इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंपोजिशन सेटिंग से वापस यहीं पर आ सकते हैं, और बाद में भी इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं।
और कंपोजिशन मेन्यू के अंदर जाएंगे तो भी आपको कंपोजिशन सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर भी ये कंपोजिशन वन आ गया है। अगर इस तरह से नहीं आए तो आप क्या करें, डबल क्लिक करें कंपोजिशन के ऊपर, तो इस तरह से टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो कंपोजिशन के पास में ऑप्शन है इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो भी यहाँ पर कंपोजिशन सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और दूसरे ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए एक साथ आप कई सारे कंपोजिशन बना सकते हैं, उनको रख सकते हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक भी आप करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर पैनल के अंदर तो न्यू कंपोजिशन यहाँ से ले सकते हैं। कंपोजिशन टू आ गया, कंपोजिशन न्यू लेंगे तो ये थ्री आ गया, सभी टाइमलाइन के अंदर आ रहे हैं, एक तरह से टैब की तरह आ रहे हैं। जो सीक्वेंस हम बनाते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर उसी तरह से, तो ये आ गया, ये आ गया, सभी के सभी कंपोजिशन इस तरह से टाइमलाइन के ऊपर आ जाएंगे एक कंपोजिशन के अंदर। ये यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये तो प्रोजेक्ट पैनल हो गया, इस साइड में प्रोजेक्ट पैनल है, ये कंपोजिशन विंडो है बीच में जो ब्लैक का अभी दिख रहा है, यहाँ पर फोटो वीडियो जो भी लेके आएंगे दिखेगा, कंपोजिशन विंडो होगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये टाइमलाइन है, और टाइमलाइन के अंदर ये राइट साइड के अंदर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये टाइमलाइन है, और लेफ्ट साइड के अंदर ये जो पार्ट है ये एक तरह से लेयर पैनल है। कंपोजिशन के अंदर जो भी आप फुटेज लेकर के आएंगे यहाँ पर आप रखेंगे तो वो लेयर आप यहाँ पर इस तरह से रख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये लेयर मोड पैनल है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं यूज में। यहाँ पर अभी हमने कोई फोटो वीडियो फुटेज इंपोर्ट नहीं किया, वो सब करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर दूसरे कई सारे ऑप्शंस भी आ जाएंगे हमारे लिए। आप अगर टाइमलाइन और कंपोजिशन पैनल के अंदर एक दूसरे के अंदर अगर वर्क करते टाइम एक्टिव करना चाहें तो देखिए इसके लिए शॉर्टकट है बैक स्लैश। अगर आप बैक स्लैश दबाएंगे तो इससे क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा कंपोजिशन वाला, और वापस दबाएंगे तो टाइमलाइन का जो पैनल है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप ऊपर प्रोजेक्ट के अंदर अगर कंपोजिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल बता रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई फुटेज फोटो वगैरह लेके आएंगे तो भी यहाँ पर इसी तरह से डिटेल बताएगा कंपोजिशन के बारे में कि ये कंपोजिशन की ये साइज है और ये यहाँ पर इसकी फ्रेम रेट वगैरह ड्यूरेशन वगैरह ये है। तो ये एक मैंने छोटा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि कंपोजिशन क्या है, किस तरह से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखें, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे कंटिन्यू बात करेंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं जरूर, और इस वीडियो को आप लाइक भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। साथ ही वीडियो देखने के बाद में आप प्रैक्टिस जरूर करें कंटिन्यू, साथ साथ में खुद अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करने के बाद में थोड़ा थोड़ा इस तरह से देखते जाएंगे तो जिससे क्या है आपको सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो मेरा चैनल है संजय कुमार स्वामी। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा, और आप मेरे पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।